बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाएं हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दिनांक 24 सितंबर 2020 को जिला मुख्यालय सासाराम में भीम आर्मी तथा आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत में निजीकरण और किसान विरोधी बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया तथा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। मौके पर आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सऊद आलम उर्फ लड्डू खान, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कृष्णा कुमार आनंद, जिला प्रभारी अमित पासवान, जिला महासचिव गुड्डू कुमार, विजेंद्र कुमार भारती, युवराज रवि ऋषि, रोहित पासवान, रोशन कुमार, रविराज देवमूरत राम, सहदेव जाटव, मुन्ना पासवान तथा जिला के सभी अनुमंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष तथा सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। किसान विरोधी बिल लाई है और देश के जो युवा लोग हैं उनके हाथों से जो रोजगार छीना जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कमेटी के द्वारा डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप करके हम लोग मांग को दाखिल करेंगे। हाँ, निजीकरण जो हो रहे हैं इस बिल को वापस लेना होगा और किसान विरोधी जो बिल आया है, जो आत्महत्या करने पर मजबूर है, इस काले कानून को भी वापस लेना होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार आनंद हुआ, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रोहतास।